नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने आ रहे हैं लीगल हेल्पलाइन में, वो है किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी तमाम समस्याओं का यहाँ पर हम समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। आज हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर आज हम बात कर रहे हैं, और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं। और जुवेनाइल जस्टिस जिस पर आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात करेंगे और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रश्मि सिंघानिया जी। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या? हिमांशु जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये चाइल्ड का डेफिनेशन है कि मतलब चाइल्ड वह है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और इसमें दो तरह चिल्ड्रन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे चाइल्ड हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड हु इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जो चाइल्ड मैंने फर्स्ट कैटेगरी है उसको डील विद करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और जो सेकंड कैटेगरी है जिनको स्पेशल केयर और नीड प्रोटेक्शन चाहिए उनको डील विद करता है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। जी, मैं ये भी इसमें जानना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादातर जो मामले सामने आते हैं उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आती हैं कि सही तरह से जो कई ऐसे अपराध यहाँ पर होते हैं जहाँ उम्र बेहद कम होती है और 18 के लगभग आसपास ही होती है, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जी, जो एक लेटेस्ट जो मैं बताना चाहूँगी, जो निर्भया कांड हुआ था उसमें जो एक अक्यूज था वो 18 महीने से कुछ महीने ही छोटा था, लेकिन उसको एज अ एडल्ट ही ट्राई किया गया। इस बारे में मैं आपसे बात करूँ, उससे पहले एक दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम तफसील से इस पर हम बात करेंगे। संजय लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं बताइए। सर, ऐसा है कि मैं 96 में नौकरी कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी जॉब में जी, और उसके बाद फिर मुझे जो है 14 साल मैंने केस लड़ा उसका, और मुझे स्कूल की तरफ से मैंने पेमेंट हर महीने देते रहे, लेकिन मुझे कोई जो है वो रिलीफ नहीं मिला। किस बात का केस चल रहा था सर? ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में चल रहा था जॉब का। अच्छा, 14 साल तक, आज तक के 17 साल हो गए, मुझे कोई भी पेश ही नहीं बताई गई। हर महीने कहते थे अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, जिसको डिस्क्लोज कर दिया हाई कोर्ट ने। अच्छा, यानी 14 साल हो गए हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैम इसमें क्या किया जाता है? ग्रीवियंस क्या है, मतलब क्या चीज के लिए इन्होंने केस फाइल किया? चीज किस बात के लिए आपने केस किया है, जो आप नौकरी का केस बता रहे हैं? क्या आपको सैलरी नहीं मिल रही या फिर किसी और बात के लिए? नहीं, मुझे सैलरी भी नहीं मिल रही थी, और जो मुझे मेरी जगह पर किसी और को रख दिया गया था, इनकी जगह पर किसी और को रख दिया गया था, इस बात का ये केस कर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पर अपने एक एप्लीकेशन फाइल करें जहाँ पे इनका ये केस पेंडिंग है, कि ये अपने डॉक्यूमेंट्स अनेक्षर लगाएं, कि ये अपनी प्रूफ करें कि ये उन्होंने इतने साल 14 साल यहाँ पर काम किया है और इसके बावजूद इनको ये पूरी सैलरी नहीं मिली है, तो ये अपना दावा पेश करें, इनको रिलीफ जरूर। मैम, इनका सवाल ये है कि सुनवाई हो नहीं रही है, कोई तारीख इनको नहीं मिल रही है, बात आगे ही बढ़ती जा रही है, इसके लिए एक अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जिसके लिए जो कोर्ट उसमें जल्दी से जल्दी सुनने की एक डेट दे देता है। वो रीजन बताएं कि मेरा 14 साल से ये मैटर पेंडिंग है, डिले हो रहा है मुझे, आई एम बीइंग डिनाइड ऑफ दीज माई राइट्स, माई सैलरी, तो उस बेसिस को सुन के कोर्ट एक अर्ली हियरिंग की डेट दे देगी, उस बेसिस पे उनकी जल्दी सुनवाई हो जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात यहां पर की जा रही थी कि कई बड़े
खतरनाक क्राइम जैसे कह सकते हैं, जिसको रेयर माना जाता है, और उसमें देखा जाता है कि नाबालिग लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, लेकिन बालिक होने में काफी कम अंतर उनका रहता है, 5-6 महीने। और जैसा कि आपने एक एग्जांपल भी यहाँ पर थी निर्भया केस के बाद, इस चीज को लेकर काफी मांग उठी थी, तो क्या कोई संशोधन यहाँ पर निकल के सामने आया है इस बारे में? जी, इसके इस कांड के बाद एक ये अमेंडमेंट हुआ है 2015 में। इसमें हीनियस क्राइम्स को, इसमें 16 to 18 years ऑफ एज वाले को, अगर कोई चाइल्ड अगर हीनियस क्राइम करता है उसको 7 years का इम्प्रिजनमेंट है, और अगर कोई सीरियस और अदर ऑफेंसेज है उसके लिए 3 to 7 years का, और अगर पेटी ऑफेंसेज है उसके लिए 3 years का ऑफेंस का वो प्रावधान किया गया है। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक मिर्जापुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं, विजय जी। विजय जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? विजय जी, चलिए लगता है विजय जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, हम दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये भी हमें कॉल कर सकते हैं। मैम, यहाँ पर जैसे कि बात की है 16 से 18 साल इनके लिए यहाँ पर कानून थोड़ा सा यहाँ पर सख्त हुआ है, लेकिन बाकी जो और छोटे होते हैं जो यहाँ पर अपराध करते हैं, तो उनके लिए किस तरह की यहाँ पर सजा की बात कही जाती है, किस तरह की सजा होती है, या फिर सुधार गृह में जो भेजा जाता है उसके क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए? जी, जैसा मैंने बताया, इसमें दो तरह चिल्ड्रन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो जो वो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जो अगर जो कानून की अवहेलना करके कोई क्राइम करते हैं या फिर करने वाले होते हैं, उनको उस कैटेगरी में लाया गया है। इनको सबसे पहले स्पेशल जुडिशियल जुबेनाइल ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है, जो इनको जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करते हैं। जो जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसमें एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, दो सोशल वर्कर्स होते हैं, उसमें से एक फीमेल मेंबर्स होती है। तो ये प्रॉपर इंक्वायरी बैठाकर ये पूरा डिसाइड करते हैं कि ये इनका केस है, चाइल्ड का केस है, शैल इट बी ट्राइड एज एन एडल्ट और ही शुड बी मतलब ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल। तो ये इनका प्रोसीजर होता है, और इसमें ऐसे करने से जुवेनाइल जो बोर्ड काफी इनकी ड्यूटीज वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो देखते हैं कि वो आपस में पूरा काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की भी और वो जो चाइल्ड है उसकी भी एट एवरी स्टेज, और ये सुनिश्चित करते हैं कि चाइल्ड की सारी राइट्स थ्रू आउट द देयर इंक्वायरी और आफ्टर केयर और ड्यूरिंग द चाइल्ड इज सेंट टू रिहैबिलिटेशन सेंटर, वो सारी उसकी राइट्स इनएक्टेड रहें। राइट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके बारे में राइट्स हम जानेंगे कि क्या कुछ राइट्स है। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त बरेली से जुड़ चुके हैं, राजेश जी। राजेश जी नमस्कार, लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, क्या सवाल है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर, मेरे ममता के ऊपर कई कोर्ट में चल रहे हैं और अन्य कोर्टों में चल रहे हैं। एक बार फिर से अपनी अपना सवाल दोहराइए। हमें सर, हेलो जी, कहिए। हेलो जी, कहिए, सुन रहे हैं। हेलो, हाँ सर, हमें सर एक जानकारी ये चाहिए, जैसे FIR में एक चीज ये लिखवाई गई है कि हम एक व्यक्ति के घर पर गए हैं जो गवाह उनकी तरफ से है, उस व्यक्ति के घर एक निश्चित तारीख में गए हैं और हमने मम्मी पापा ने वहाँ पर दहेज मांगा है, मारा पीटा है, ये सब बातें FIR में वर्णित है, लेकिन हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले ही उस व्यक्ति का फोन मेरे पास आता है, टेलीफोन नंबर उसके मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल नंबर पर बातचीत होती है। मैंने उससे ये पूछा कि मतलब क्या मैं आपके घर पर गया हूँ कभी? वो कहता है कि आप मेरे घर पर कभी नहीं आए, ये बात मैंने रिकॉर्ड भी कर ली है, तो क्या मैं इस रिकॉर्डिंग का यूज कोर्ट के अंदर किस तरीके से कर सकता हूँ? वो गवाह कोर्ट में ये कह रहा है, कोर्ट में सर वो ये कह रहा है कि हम उसके घर पर गए हैं, ठीक है, और मोबाइल पर हम तो ये कह रहा है कि हम कभी भी उसके घर पर नहीं गए हैं, ठीक है, जान लीजिए, मतलब है इन पर जो केस दर्ज है, जो मामला इनके पास सामने है, अब इनके पास सबूत है और वो रिकॉर्डिंग इन्होंने अपने पास रख ली है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उस रिकॉर्डिंग? उस रिकॉर्डिंग की आप एक वो सेंटेंस वाइज लिखवा के टाइप करवा के उसकी फोटोकॉपी उसकी कॉपी बनवा के भी फाइल कर सकते हैं, या फिर उसकी ऑडियो क्लिपिंग भी कोर्ट के सामने सबमिट कर सकते हैं कि ये जो उन्होंने कहा था कि काफी कॉन्ट्राडिक्ट है, उन्होंने स्टेटमेंट में FIR में कहा था कि आपने उनके घर जाके मारपीट की और जब उनसे बात हुई तब उन्होंने कि आप उनसे कभी मिले ही नहीं, उनके घर नहीं आए, तो ये कोर्ट ये सब चीज जरूर ध्यान में रख के अपना फैसला आपके फेवर में सुनाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का यहाँ पर जवाब मिला होगा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मैम, एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर आ रहा था कि कभी किसी अपराध में नाबालिग को या किसी किशोर को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को उस वक्त क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? जैसा आपने राइट्स की बात की थी, वो क्या राइट्स यहाँ पर दिए गए?
जी पुलिस सबसे पहले क्या करे, उसको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर के पास या फिर जो स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास उसको लेकर जाएगी और उसको उसका मैटर फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंडर प्लेस होगा। उसको ऐसे बच्चों को सीधा जेल में नहीं डाला जाता, इनको सीधा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही उनका फैसला तय करती है कि चाहे उसको या फिर क्या वो कानून का कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में उसका काम किया गया है या फिर उसको स्पेशल केयर या प्रोटेक्शन चाहिए। कई जगह ऐसी भी तस्वीरें, देश भर में कई ऐसे मामले निकल के सामने आते हैं जहां पर चोरी के इल्जाम में जो नाबालिग बच्चे पकड़े जाते हैं उनके हाथों को रस्सियों से बांध दिया जाता है, क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों को ऐसा नहीं ले सकते। उनको उनके मैक्सिमम पनिशमेंट ये उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज के उनके सुधार की कोशिश की जाती है, जहां बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स होते हैं जो उनको ट्रेन करते हैं कि आगे वो ऐसा कोई काम, घृणित कार्य ना करें जिनके उनके फ्यूचर खराब हो जाए। बिल्कुल, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, आज हम किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। मैम, आप ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड के बारे में भी यहाँ पर बता रहे थे कि क्या चीजें यहाँ पर ध्यान में रखी जा सकती हैं और कई इसके पहलू हैं जो यहाँ पर जनता को नहीं पता है और कुछ ऐसे पहलू जो यहाँ पर नहीं पता होते हैं उसी की वजह से सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई ऐसा पहलू जो यहाँ पर जनता को जानना चाहिए इस एक्ट से जुड़ा हुआ? जी, इस बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो एक किशोर को पूरा ध्यान में रख के बनाया गया है, उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो पूरा पार्टिसिपेशन लें चाइल्ड का भी और उनके पेरेंट का भी, उनसे पूरा काउंसलिंग करके उनके दिमाग की मनोस्थिति जाने कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद वो उनको फ्री लीगल एड भी देते हैं। अगर उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर की भी वो सुविधा उनको अवेल करवाते हैं, और अगर वो डायरेक्ट करते हैं प्रोबेशन ऑफिसर को या फिर किसी सोशल वर्कर को कि 15 डेज के अंदर वो रिपोर्ट उनके सामने पेश करे, तो वो पता लगाने के लिए कि ऐसे क्या रीजंस थे कि उस किशोर को ऐसे घृणित कार्य करना पड़ा, और वो रेगुलर इंटरवल्स में जेल का भी दौरा करते हैं ताकि ये देखें कि उनकी किसी भी किशोर चाइल्ड जुवेनाइल को जेल में तो नहीं रखा गया, अगर ऐसा है तो उसको इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन सुधार गृह में रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको भेज, और वहां क्या कुछ सुविधा उन्हें मुहैया कराई जाती है? जी, वहाँ बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो उनको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, उनको ये उनकी मनस्थिति जानकर उनको उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उनको ट्रेन करके उनकी काउंसलिंग करते हैं। एक जो मांग यहाँ पर ये भी उठ रही थी कि 18 से 16 साल यहाँ पर करना चाहिए, कई लोग ऐसे थे जिनकी ये मांग थी, कई सामाजिक संगठन भी ऐसे मांग थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, MP सिंह जी। सर, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका, रखिए अपनी बात। मेरे भाई का 2011 में एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से जी, तो ये किसान है, वो क्या नाम है उसका, ये जो बैंक ने जो किया हुआ था उसका बीमा जी, और वो अभी तक मतलब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए 2011 से, हम हेड ऑफिस में दे दिए, रीजनेबल ऑफिस में दे दिए, हमको आज तक वो क्लेम नहीं मिल पाया। मतलब आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जो उनका बीमा है वो आज तक नहीं मिल पाया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी? जी हाँ सर, मेरे पास रिसीविंग है उसकी, सब क्या नाम है, यूपी में हुआ था सर, बोला सर मैं। अच्छा मैम, इनका जो भाई का एक्सीडेंट वो अभी तक इनको मिल नहीं पाया है बीमा, उसके लिए अब ये क्या कानूनी मदद ले सकते हैं? ये एक एप्लीकेशन लगाएं जल्दी से जल्दी की अर्ली हियरिंग के लिए कि ताकि ये उनका मैटर बताएं कितना डिले हो रहा है कि 2011 में एक्सीडेंट हुआ था और अभी तक उनको कुछ कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला और ना कोई इंश्योरेंस मिला है, तो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उनको पेश करना पड़ेगा ताकि वो अपना अपना स्ट्रांगली ये दावा प्रूव कर सकें। दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, अहमद जी। अहमद जी नमस्कार, बताइए किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? सर मेरा एक सवाल है ये जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम रेड लाइट पे निकलते हैं या बस स्टॉप पे या अधिकतर मैं दिल्ली के VIP एरियो में जाता हूँ जितना भी, और यूपी कम से कम पूरा आधे से ज्यादा इंडिया का मैंने सफर कर रखा है, अधिकतर जितना भी क्राइम होता है गांजा स्मैक चर्च ये जितना भी ये छोटे बच्चों पे कराया जाता है जो NGO के बच्चे होते हैं या उनके बच्चे होते हैं, सर इसके लिए जो ये NGO है या गवर्नमेंट है इनके लिए कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाती कि ये बच्चे पढ़ लिख के शिक्षक बन सके, अच्छे कामयाब हो सके? बाल सुधार गृह है,
ऐसे ही एक कोशिश यहाँ पर की जाती है जिससे बच्चों का एक भविष्य बन सके, रिहैब उन्हें भेजा जाता है। कई जगह अगर सड़कों पर चौराहों पर ऐसे बच्चे दिखते हैं जो नशे में होते हैं तो उनको रिहैब भेजा जाता है ताकि उनका भविष्य यहाँ पर बन सके। और तमाम ऐसे एनजीओ हैं जो इस मामले को लेकर इस मकसद से काम कर रहे हैं। मैम ऐसे एनजीओ बिल्कुल तमाम ऐसे एनजीओ हैं जो इस बारे में काम कर रहे हैं और इसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है जिससे आने वाले समय में जो ऐसे बालक हैं, जो ऐसे बच्चे हैं वो गलत राह पे ना पड़े। शुक्रिया फिलहाल अभी आपका जुड़ने के लिए। मैम बात यहाँ पर चल रही थी कि जैसे 16 से 18 साल के कुछ यहाँ पर बच्चे रहते हैं जो काफी मांग यहाँ पर करते हैं, तो कई पहलू यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं और ये भी कि उनको रियायत कहीं पर मिल जाती है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक दायरा यहाँ पर और बनाया जाए जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं वो कानून से बच ना सकें, तो इसके लिए उम्मीद है कि कुछ संशोधन और किए जा सकते हैं जो आपने बताया था उसमें। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के अनुसार 16 to 18 ईयर्स अगर कोई हीनियस क्राइम, कोई जुवेनाइल जो हीनियस क्राइम करता है लाइक रेप और मर्डर, तो दे विल बी ट्राइड एज एन अडल्ट और उनकी इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स रहेगी। अब जिस हिसाब से आजकल क्राइम रेट बढ़ रहे हैं ऑन अ ईयरली बेसिस एंड दैट टू अगेंस्ट वुमेन, तो जैसे जैसे अब टाइम बढ़ेगा शायद उसमें और संशोधन हो जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और, जैसे देखा जाता है कि कोई भी मामला आता है, कोई भी केस होता है, कोर्ट तक पहुंचता है, काफी लंबा वक्त वहां पर चला जाता है। कई ऐसे केसेस हैं जो यहां पर सभी के सामने आए हैं जहां पर जो नाबालिग होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो काफी लंबे वक्त तक न्याय का इंतजार करते रहते हैं, न्याय की मतलब तारीखें उनकी लगती रहती हैं और कोर्ट के चक्कर वो लगाते रहते हैं, कई बार उनके मामले खिंचते चले जाते हैं, तो ऐसे केसों पर जल्द से जल्द सुनवाई हो ऐसा कोई प्रावधान? ऐसे में वो चाइल्ड थ्रू आउट जब उनकी सुनवाई होती है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही रहता है और उसका प्रॉपर काउंसलिंग ये सब हो के उसके मेंटली उसको स्ट्रांग किया जाता है ताकि वो और ऐसे फ्यूचर में ऐसे काम नहीं करे और इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो सके इसलिए कानून कदम उठा ही रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये बात कही जा सकती है कि काफी कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है इसमें संशोधन की मांग की आवाज यहाँ पर उठती रही है, लेकिन संशोधन यहाँ पर होता है कि नहीं होता है ये जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।